नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कमरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी क्षेत्रीय बुनकर संघ के पूर्व चेयरमैन जनाब इनामुर रहमान अंसारी साहब। इनामुर रहमान अंसारी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें हिंदुस्तानी मीडिया में आज मौका फराहम किया है जो मधुबनी 36 पे कुछ बोले। और आज का समाज कहाँ चला गया है और हम लोगों का नेतृत्व क्यों ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारा जो समाज है अंसारी समाज, उसका नेतृत्व क्यों ख़त्म हो गया। अंसारी साहब, हम बात करेंगे आपसे, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन पहले तो आप ये बताइए कि आप पूर्व चेयरमैन, आप ये बताएं कि आपने मधुबनी क्षेत्रीय बुनकर संघ के चेयरमैन होने के नाते कहाँ कहाँ काम किया है, आप नहीं बताए जानकारी दें। हमारे जो ऑडियंस है, जो जनता हमारी है, जो सुनने वाले दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं। देखिए, पूर्व से 96 के 96 से पहले ही जो बुनकरों का काम हुआ, उसके बाद बुनकर संघ ऐसी है जो ना डेड पड़ा हुआ। बहुत जद्दोजहद करने के बाद 2011 में हम चेयरमैन नॉमिनेट होने के बाद हम बहुत प्रयास किए, अथक प्रयास किए कि बुनकरों के बीच में कुछ योजना ला करके काम करें, क्योंकि काम करने के लिए अपना विधायक, अपना जो है ना सो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री होना अनिवार्य होता है, सत्तारूढ़ का समर्थन होना जरूरी होता है। क्योंकि पूरे बिहार में 7 बुनकर संघ, जिसमें एक मधुबनी बुनकर संघ भी है, इसका जो है कार्य क्षेत्र मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं बेगूसराय हमको प्रभार में मिला हुआ। यहाँ के इंचार्ज थे, लेकिन इसके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो है ना महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हुआ करते हैं, अभी भी हैं। अंसारी साहब, अभी हम आपके रुख को बदलना चाहेंगे। 3 तारीख को चुनाव होना है, 3 को भी होना है, 7 तारीख को भी होना है, तो दूसरे और तीसरे चरण में मधुबनी जिला में चुनाव होना है। आप मधुबनी 36 के निवासी हैं, आप भवारा के रहने वाले हैं, बुनकर समाज और अंसारी बिरादरी की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भवारा को माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिधर भवारा झुके, जिधर झुक जाए उसकी कामयाबी तय है। तो फिर आप ये बताएं कि आप अगर यह बात, इस बात को अगर सच माना जाए, तो असलम अंसारी साहब आपके यहाँ के जो एक बार चुनाव में, 2 बार शायद चुनाव में खड़े हुए थे, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए? वो कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि भवारा के ही लोगों ने उनको पीछे खंजर मारा। और जब भी भवारा जिसको भी साथ दिया है वो इंशाल्लाह कामयाब हुआ। इससे पहले अब्दुल हन्नान अंसारी साहब MP बने, जी बने, सांसद बने, जी जी। जब सांसद बना सकता है भवारा, इससे पहले जो है ना मौलाना शफीकुल्ला साहब MP भी बने और MLA भी बने, जी जी। तो भवारा मुत्तहिद था। और असलम भाई के टाइम में भवारे में कुछ लोग जो है ना सो क्या कहते हैं पीठ के पीछे खंजर मारा, लेकिन ये नहीं कहिए कि उनको वोट नहीं आया, वोट परसेंटेज उनको बहुत मिला। और कामयाबी न होने के कारण ये नहीं है कि हमको टिकट बड़ा पार्टी न दे। असल मसला अभी जो भवारा का लोगों में एक बात का, एक तो आपको मालूम होगा शायद भाई कि NRC को लेकर के CAA और क्या कहते हैं कि NPR जो मुद्दा है, उस मुद्दा को लेकर के आपको मालूम होगा कि सब लोग सोए रहते थे भवारा के लोग, लेकिन भवारा के लोग जो है ना आ करके इससे इनकार नहीं कर सकता कि खास मर्द खातिन का, औरतें और वहाँ की माँ बहनों का जो रोल है ये काबिल सताइश है और इतनी तारीफ की जाए तो हमें। तो आप एक चीज़ यहाँ बहुत आपने कीमती बात उठा लिया आपने कि असलम अंसारी साहब को टिकट दोबारा नहीं, अब आप ये बताएं मुझे कि क्या असलम अंसारी को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? एकदम ही मिलना चाहिए। इसका मतलब कि हर हुकूमत ने, वो RJD में है, आज भी वो RJD में, अपने आप को RJD में कहते हैं, RJD के नेता वो हैं, लेकिन अब तक उनको टिकट नहीं मिला, दोबारा MLA नहीं बन पाए वो, और यहाँ नया चेहरा आकर के लाइन में लग जाता है और वो टिकट लेकर के MLA MP बन जाते हैं, तो फिर
क्या हासिल होगा, हमारा क्या हासिल होगा, आपका क्या हासिल होगा, हमारा खुद नुमाइंदा नहीं होगा। मधुबनी 36 में अल्लाह ताला ने इस मरतबा मौलाना शफीकुल्ला अंसारी के बाद मौका मिला असलम भाई को भी, असलम अंसारी साहब को। जी 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 जी, हम लोग रीजनल हैंडलूम यूनियन के चेयरमैन भी बन के आए, सभी लोगों ने पुरजोर जो है ना क्या कहते हैं स्वागत भी किया और काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपने में जो है ना लोग इस तरीके का चीमी गोइयाँ करते रह गए। लेकिन हमने प्रोजेक्ट बनाया था 5,62,62,000 और क्या कहते हैं कि 71 कुछ ऐसा का हम प्रोजेक्ट बनाए थे। लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि आप हमको ऑडिट दो, हम कहते थे कि हमारा जो पैसा है शेयर कैपिटल का, क्योंकि स्पिनिंग मिल जो सूता मिल है कंडौर में वो मधुबनी 36 में है। लेकिन यहाँ का इससे पहले भी 5 साल जो विधायक जी रहे हैं वो कभी उनको तो मालूम भी नहीं है कि बुनकर क्या चीज होता है। कौन विधायक है जिसको अभी फिर से टिकट आरजेडी में, समीर कुमार महासेठ, जिनको मान के चलिए कि ये नहीं मालूम है कि हम जिस सेक्टर से आए हैं, हम यहाँ के विधायक हैं, हमारा क्या क्या उद्योग लगा हुआ है क्षेत्र। आप देखिएगा साहिब भाई कि मधुबनी 36 में ही दो जो है ना क्या कहते हैं चीनी मिल, एक लोहट है एक सकरी, दोनों बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? जबकि आप MLA हैं और आपका नुमाइंदा जो है ना, आपका जो है ना वोटर्स उसी, क्योंकि आप एक बात को समझना होगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी आप देखिएगा जिस समझ से महासेठ जी आते हैं तो महासेठ जी का अपना कुल वोट पूरा मधुबनी विधानसभा में कितना होगा? 10,000? नहीं नहीं, तो 10,000 भी नहीं है भैया, बहुत होगा तो 3,000 से 3,500 सूरी समाज का वोट है मधुबनी विधानसभा। वो हमारे वोट से कामयाब होते हैं, मतलब हमारे वोट से कामयाब होते हैं। नहीं, पूरा पूरा जो है ना मुस्लिम वोट ही। तो इनामुल्लाह साहब, हम पॉइंट की तरफ आते हैं। मेरा कहना यह है कि अभी जो इलेक्शन का मंजर हमारे सामने है, इसमें आप लोगों ने क्या तय किया है ये बताया। बार बार ठगा जा रहा है RJD ने असलम अंसारी को, अगर चाहता, ठीक है एक बार उनकी हार हो गई, चाहता दोबारा टिकट मिलता उनको, वो दोबारा खड़े होते और वो कामयाब हो जाते और आज वो हमारे विधायक होते। मधुबनी से कोई विधायक नहीं बन पाए, गैरों में बनता रहा विधायक। आज आपके सामने जितने उम्मीदवार हैं उसमें एक अमानुल्लाह खान भी उम्मीदवार हैं, वो भी पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर इसलिए गए। देख रहे हैं कि वो हर जगह देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं या फिर बहुत हमदर्द और खैर खा कहती हैं, वो भी हमें किसी न किसी मोड़ पर ले जाकर के अकेला छोड़ देती है। तो फिर आप लोगों का क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हैं अमानुल्लाह खान साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी बात को पूरा पूरा रखेंगे ताकि आपका जो लैब है हिंदुस्तानी मीडिया का, जी जी, वो पूरे जो है ना क्या कहते हैं लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, जी जी। तो इसलिए शाहिद भाई, हम बात को ज़्यादा नहीं बना करके साफ सुथरी बात, सच्ची बात को रखना चाहते हैं। जी जी, क्या आप हमको एक बात बता सकते हैं कि पूंजीवाद ही चुनाव लड़ेंगे? हो तो यही रहा है, हो तो यही रहा है। अगर पैसे वाले आप टिकट खरीद लीजिए, वरना अगर आप खानदानी रईस हैं तो आपको आपकी रईसी बचती रहेगी। रईसी मतलब क्या? पैसा आपके पास है, गरीब के बच्चे को टिकट कहाँ मिलता है? अगर टिकट नहीं भी मिले और कहीं से कोई समाज का बच्चा, अंसारी समाज का बच्चा हो या मुस्लिम में कोई ऐसा नुमाइंदगी करने वाला समाज खिदमतगार हो, है क्या कि देखिए कि अभी जो लोग नामांकन किए हैं तो 20 लोग नामांकन किए, 8 लोगों का नामांकन रद्द हो, इसमें आप भी शामिल हैं। तो हमारा नामांकन रद्द क्यों हुआ? क्योंकि हमें तो कोई फॉल्ट नहीं था जी, लेकिन हमारा नामांकन को इसलिए रद्द कराया गया क्योंकि जमीन पे मेरे बिरादरी का वोट ज्यादा है, अधिक है। भवारा लफ्ज भवारा के ही नाम से लोग जानते हैं, इनामुर रहमान भी भवारे के जी जी। तो मेरा नामांकन रद्द हुआ। रद्द होने के बाद जो क्या सेकुलरमेंट के जो भी लोग हैं, हम ऐसे पार्टी से भी नामांकन किए थे तो सेकुलर मजलिस पार्टी का, तो अभी जो रद्द होने के बाद आपके रद्द होने के बाद मौलाना निसार साहब के उन्होंने हमायत दे दिया अमानुल्लाह खान को। हाँ, ये भी हमको जानकारी है कि हिमायत दिए हैं, इसलिए कि भाई एक हमारे में से एक बच जाएगा। जब रिजवी साहब बहुत बड़े शख्सियत हैं और उनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए, ये इतना बड़ा गेम को रख देना कि भैया आप नेतृत्व कीजिए, क्योंकि अभी का जो मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान का, आवाम का, किस आपको सत्ता हर दरवाजे का चाबी है, क्योंकि हम इस दर्द को झेले हैं
हम लोग 1994-93 से जमीनी राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग ऊपर नहीं क्यों गए, क्योंकि हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया। अभी किसी भी पार्टी से आप टिकट लाने के लिए जाइए तो पहले कहता है आप 5 करोड़ अपना बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में दिखाइए, 2 करोड़ उधर दीजिए, 3 करोड़ क्षेत्र में खर्चा कीजिए, फिर आप विधायक बन के जाइएगा वहाँ, उसके बाद जो है ना आपका कौन सुनेगा। तो ये तो पार्टी नहीं रहा, ये तो एक उद्योग हो। तो इस उद्योग के चक्कर में गरीब का जो बच्चा होता है, जो जमीनी राजनीति करता है, तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को, आम जनता को सोचना चाहिए, अभी एक मौका मिला है कि उधर 11 और इधर 1, अब तो उधर 10 है, निसार साहब भी समर्थन कर दिए हैं, मेरा भी नामांकन अस्वीकृत हो गया था, इधर 1 बचा है, और पूरे जो है ना विधानसभा में, शायद भैया मधुबनी 36 में पूरे विधानसभा में 93,000 से एभव वोट है, ठीक है जी जी। अभी भाजपा के 4 प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, भाजपा के 4 प्रत्याशी जी जी, हम दल में गिना देंगे आपको कि भाजपा के कौन कौन 4 प्रत्याशी जी जी। उसमें पहला है, आपको हम कहिएगा तो फुटेज दिखला देंगे कि सामाजिक स्तर पे किस तरीके से लोग तलवार बांटते हैं। हाँ, तलवार बांटते हैं जी जी, वो मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा जी, एक त्यौहार में हम लोगों ने भी देखा, हमारे पास फुटेज होगा, उनको भी जानकारी में जी जी। तो समीर कुमार महासेठ, सुमन कुमार महासेठ, अरविंद कुमार पूर्वे, रामदेव मोहन, तो 4 सेक्टर में उनका वोट बट रहा है। हमारा कितना वोट है? 1,93,000 जी जी। अगर 50% भी हमको वोट मिल जाता है जमीन पे जी जी, तो हम क्यों नहीं नेतृत्व करेंगे, हमारा विधायक अपना क्यों नहीं, हमारे साथ हर समाज के लोग हैं, हमारे साथ हर समाज का भी लोग है, और जो नेता है हमारा, जिसको हम नेतृत्व हाथ में दे रहे हैं, उस पे आपको कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखना होगा, और अपना इसमें इस्लामिक धर्म से बोले तो ईमान भी कहीं ना कहीं रखना होगा। कि आप देखे होंगे कि NRC के टाइम में जब सभा लगता था तो वाहिद शख्स है जो हम कभी उनको औसी बबन गामा में देखते थे, हाँ, वो थे, तो कभी सकरी में देखते असलम अंसारी, असलम अंसारी भाई तो घर भी नहीं जाते थे, अरे वो मुर्शिदी, हाँ मुंशी साहब थे, मुंशी साहब थे, इन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मुंशी समीउर रहमान साहब थे कोतवाली चौक के जी जी जी। इन लोग अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, लोगों को समझना चाहिए कि मेरे NRC में कौन आगे आगे रहता था, यही अमानुल्लाह खान जो आपको समझाता उस समय में, आपको भी वक्त है इस समय में, आप इनको समझिए। हाँ, इनको वक्त नहीं मिला है सब जगह जाने का, क्योंकि इनके पास तो फरिश्ता तो नहीं है कि सब जगह आपके पास चले जाएंगे, लेकिन इस माध्यम से हम लोगों से पुरजोर जो है ना कहते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आरजू मिन्नत कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आप टुकड़ों में मत बटिए, टुकड़ा में आज अल्लाह ताला ने उन लोगों को बांट दिया है, आप वाहिद अकेले हैं और आप मजबूत खेमा हैं। आपको हम समझा के बोल रहे हैं कि जिसको 3600-3700 वोट नहीं है पूरे विधानसभा में, वो कैसे MLA हो जाएगा। आप कहते हैं भगवाड़ा में तो लोग मुत्तहिद है, वोट देने के लिए सब लोग तैयार है, लेकिन उनको बड़गलाया जा रहा है, यही 3600 में से लोग जाके कहते हैं कि आपका वोट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, अरे भाई वोट हमारा कैसे बढ़ जाएगा। साहब, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, और मुझे एक बात बताइए, आप देखिए, आप अमानुल्लाह खान की हिमायत में क्षेत्र में भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है, आप ये बताएं कि अभी अमानुल्लाह खान कहाँ खड़े हैं? अभी अमानुल्लाह साहब फर्स्ट स्टेज पे हैं, क्योंकि हम खुद ही दौरा किए हैं जरटिया, मकसूदा, दैबर, और क्या कहते हैं मोमिनपुर, और भी क्या कहते हैं गढ़िया, बहुत सारी जगह हम। अगर आपकी बात को मैं सच भी मान लूँ, थोड़ी देर के लिए सच भी मान लेता हूँ, तो आप ये बताएं कि मुकाबला किससे किनको हो रहा है, मधुबनी में किसी को भी मुकाबला हो रहा था अमानुल्लाह खान से? अब बाकी कौन है नहीं, हम चारों में उसमें नहीं कहेंगे, लेकिन पहला शख्स है जिसको अभी मुकाबला है। अब है क्या कि लोगों को सोचना है कि अधिक से अधिक वोटों से जीता है, जितने वोट से ये जीतेंगे, आप देखिएगा, शायद भाई आपको बुरा ना लगे, लोग कहता है कि इनामुर रहमान जो है ना जो बात कह रहे हैं ना, ये कैसे सत्य हो जाएगा? हम वोट पे कह रहे हैं, जमीनी स्थिति पे कह रहे हैं, नेट पे भी वोट उपलब्ध है। आखिरी बात हम पूछना चाहते हैं आपसे, वो ये बात ये है कि तेजस्वी यादव की भीड़ को देखकर ये बात तय है कि समीर यहाँ, समीर कुमार महासेठ की पोजीशन सबसे बेहतर है, क्या आप इसको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहेंगे ना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, आप भूल गए होंगे शायद। नहीं, मुझे याद है, मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं याद करवा, आपके मुंह से मैं बोलवाना चाह रहा हूं। हो सकता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उससे अधिक भीड़ हुई थी। और आप देखे होइएगा कि तुम ऐसे रहबर को वोट देना,
जिस पे आपको इत्तेफाक हो, तो अभी जो माहौल बना है पूरे हिंदुस्तान में, तो फिर इतनी भीड़ क्यों होती है? लोग हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं क्या? होता है लोगों में है क्या कि देखिए वही जनता है क्या कि उनको भी देखने जाते हैं, उनको भी देखने जाते हैं, लेकिन ये मतदान है हिंदुस्तान में एक चीज को बहुत मजबूत स्तंभ से रखा गया है, वो है मतदान। ये मेरा अपना मतदान है, लोगों ने मन बना लिया हमको क्या करना। आप देखे होइएगा अभी अभी आपको जस्ट परसों ईद मिलादुन्नबी था, और हमारा कैंडिडेट जहां भी गए हैं हमारे कैंडिडेट, आप एक भी लोगों से हमको ये बतला दीजिए, सब जगह लोग माला, कहीं लोग हार लेके पहना है, कहीं माला खरीद के पहना है, कहीं लोग जो ऐसा स्वागत हुआ है कि रात में भी 4 बजे उनको लोग नहीं आने दे रहे, सोते तक नहीं है। तो आप देख लीजिएगा कि ये जो सिस्टम है ना वो वोट से होता है हिंदुस्तान जो है ना। चले, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर में एक अपील करें और हम आप एक दूसरे से अलग होंगे यहाँ से, आप आखिर में आप ये यहाँ के आवाम से आप अपील कर दें कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए मधुबनी 36 के जनता से और ख़ास करके मुसलमान भाइयों से हम अपील करते हैं, हमारा विनती है, आरजू है, मिन्नत है कि आप लोग बहकावे में ना आए। मेरा मानना है इनाम उलमा साहब मुसलमान भाई नहीं बल्कि हर दबे कुछले लोग खास करके हम अंसारी समुदाय से भी कहेंगे, क्योंकि सबसे अधिक वोट जमीन पे मेरा है, लोगों ने जो बरगला रहा है, लोग जो जिनके पास 3000 वोट है वो बरगला रहा है कि आप इधर वोट दीजिएगा तो वो हार जाएगा। अरे भैया हम कैसे हार रहे हैं, हमारा वोट तो जमीन पे ही है। इस मरतबा हम नहीं कामयाब हुए तो शायद बार हम बोल देते हैं क्यामत तक इस विधानसभा से कोई मुसलमान नहीं जीत सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम उलमा साहब, आपने वक्त दिया। हम भी आपको हिंदुस्तानी मीडिया को क्या कहते हैं कि तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और क्या कहते हैं कि ये जो सिस्टम आपने लाया है न्यू सिस्टम है, क्योंकि लोगों को, क्योंकि हम लोग तो उतना तकनीक नहीं समझते हैं लेकिन बच्चे लोग ज़्यादा समझते हैं, तो इस तकनीक को भी हम स्वागत। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.